हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 63 आज कराने जा रहा हूं। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टीएस ग्रेवाल की, उसमें क्वेश्चन नंबर 63 है, पेज नंबर 5.103 पे। मैं उसकी स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में लिखा कि ए बी सी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर की रेशियो 3:1 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोस। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बैलेंस 2 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेबल एंड बैंक का बैलेंस दिया 2 लाख का। डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर agreed on these admission. Out of the creditors 10,000 is due to D. Creditors में 10,000 D का है. It will be adjusted against the his capital. उसके capital के against adjust कर देंगे. इसका मतलब उसको सिर्फ 40,000 दिलाना है, बाकी 10 उसके capital account में जाएगा. B adjustment है advertisement expense of ₹1,200 is to be carried forward as prepaid expenses. C है expenses debited in the profit and loss account included ₹2,000 paid for B's personal expenses. D है a bill of exchange of ₹4,000 has been previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2022 but no entry has been passed for dishonor. Provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be credited against debtors. और F है expenses of resolution of ₹21,000 is to be paid by A. Prepare necessary ledger account and the balance sheet after these admission. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। 63 में सबसे पहले उसने कहा पास प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो कई बार कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन ए बी सी की रेशियो कितने गिवन है, 3:2:1। उनकी रेशियो कितनी गिवन है हमारे पास, 3:2:1। तो साथ में क्या गिवन है, साथ में ये है कि डी आया है नया पार्टनर, ठीक है। किस हिस्से के लिए वो उन्होंने नहीं बताया, वो उसमें अपनी कैपिटल लाया है और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसमें, सैक्रिफाइस रेशो की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें न्यू रेशो निकालने के लिए भी नहीं बोला। तो जो भी कुछ बटेगा जहाँ तक वो ओल्ड रेशो में बटेगा जहाँ तक नहीं बटेगा। अंडरस्टूड? तो चलिए रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्वेश्चन नंबर 63 तो मैंने लिख ही दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए मेरे साथ, ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 63 क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि कैपिटल तो 10,000 क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कैपिटल की केस उसकी एंट्री अलग आएगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹1,200 इज कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि एसेट बढ़ रही है तो वो इस तरफ आ जाएगी बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखना, आप वो भी लिख सकते हो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना आ गया, 2,000 हम कितना बटे 2,000 रुपया, कितना कर देंगे 2,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 वो डिसऑनर्ड हो गया, उसकी एंट्री क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो तो प्लस माइनस हो जाएगा लेकिन यहां पे रिवैल्यूएशन में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और ई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको बता दूं कैसे करनी है। टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितने की है, वो 1,700 में कैलकुलेट करता हूं, बता दूं कैसे करना है। देखो हमारे पास डेटर्स कितने हैं, हमारे पास डेटर्स हैं हमारे पास 30,000 के। यहां वर्किंग नोट में बिठा दूंगा, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट में देखो ये क्या आएगा, डेटर्स कितने हैं 30,000 के, और उसमें जो बिल डिसऑनर हुआ ऐड डिसऑनर बिल दिस और बिल डिसऑनर जो हुआ वो दोबारा ऐड अप हो जाएगा प्लस 4,000 का, तो कितना बन गया ये 34,000, ठीक है जी। ये कितना बन गया 34,000, तो जो प्रोविजन निकलेगी इस पे बनेगी 5% प्रोविजन ऑन 34,000, कितने पे 34,000 पे। तो 34,000 का 5% कितना होगा, 34,000 का 5% हो गया 1,700 रुपया। तो ये 1,700 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये 1,700 रुपया यहाँ पे इसकी प्रोविजन बन जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको इरेज कर दूं, ये आपको समझ लग गया ना, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी, ये इरेज कर दिया मैंने इसको, ये आपने देख ली कैलकुलेशन इसकी, ओके जी। तो अब यहां पे हमारे पास और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद एक एडजस्टमेंट रह गई है, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन टू बी पेड टू ए, ए को देना है तो ये हम फाइल ए को, ए को हमने पैसा देना, तो ए इज कैपिटल अकाउंट करके यहां पे आ जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा कितना रुपया, 2100 रुपया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2100 ये आ गया, 8 और 3 36, 3600 बच रहा है 32, तो ये साइड बढ़ी आ रही है, तो इसका मतलब इस केस में लॉस हो रहा है, ठीक है जी, इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये 3800 यहाँ आ गया और ये आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितना ए बी और सी, ये आ रहा है 600 और रेशो क्या है उनकी 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ और फिर हम इसके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 63 का ही आगे हम सेकंड स्टेप बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो कैपिटल अकाउंट चार पार्ट रहने से इसे थोड़ा कंबर्सम हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, 3 का अलग से बनाऊंगा और 4 का अलग से, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट बन जाता है जो फिर बच्चों को स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट है बोर्ड पे, ये आ गया, और उसके बाद स्टेप 1 में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, स्टेप 2 में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। और ये आ गया यहाँ पे 3 पार्ट का मिलेगा, मैं पहले 3 पार्ट का बनाऊंगा क्योंकि यहाँ इतनी ही जगह होती है हमारे पास, ठीक है जी। चौथे पार्ट का हम नीचे बना लेंगे या अलग से बना लेंगे, ओके, ये पार्ट के कैपिटल अकाउंट में नाम है ए बी सी, देखिए यहाँ वैसे 3 के बड़े कंजस्टेड आ रहे हैं, तो चौथे का इसमें कहाँ से आ जाएगा, तो उसका तो पहले हमें बैलेंस लिखना है पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 60,000, 60,000, 40,000, 60,000, 60,000 और 40,000, तो ये आ गया आपका कैपिटल का बैलेंस। अब इधर ना तो रिजर्व है, ना उधर ही कोई है जी, ना ही उस तरफ कोई क्या चीज है, गुडविल पुरानी है, ठीक है, ओके। तो यहां पे अब और तो कुछ नहीं आ रहा, तो एक इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन करके, जो पोस्टिंग करनी है रिवैल्यूएशन करके, ए को हमें वहां डेबिट किया था तो ए के खाते में पैसा डालना ना, तो यहाँ पे 2100 रुपया यहाँ पे आ जाएगा जो हमने ए को देना, और बी को हम बी के अकाउंट से काटना था, टू रिवैल्यूएशन करके बी में से 2000 रुपया कट गया, जो उधर एसेट डेबिट किया था, ये क्रेडिट किया था रिवैल्यूएशन में और ये डेबिट किया था, उसकी पोस्टिंग यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस लिखना है, टू रिवैल्यूएशन का ही क्या आएगा लॉस, और ये कितना आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि तो इसके अलावा इसमें और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही, तो ये 40,000 ये है, 60,000 का तो ये क्या देगा, और ये आ जाएगा 62,100, तो ये 62,100 में से पहले मैं 300 का माइनस करूंगा, तो ये आएगा 62,200 में से 300 माइनस कर दिया, 62,100 में से ये माइनस कर दिया मैंने 300, तो ये आ गया 61,800, 61,800 ये आ गया 62,100, ठीक है जी। ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके जी। उसके बाद ये कितना, 60,000 में से 22,000 माइनस कर दो, 60,000 में से 2200 माइनस कर दो, ये आ गया 57,800, 57,800 हमारा ये आ गया 60,000 के साथ, और 40,000 ये है, 40,000 में 100 रुपया माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 39,900, ये कितना आ जाएगा 39,900,
ठीक है जी। अब हम मैं नीचे यहाँ पे डी का बना दूंगा, अब आएगा डी इज कैपिटल अकाउंट, डी का कैपिटल अकाउंट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बन रहा है। उसकी टोटल कैपिटल का बैलेंस तो मुझे पता है कि 50,000 है, लेकिन लेकिन 10,000 का तो हमारा क्रेडिटर था, तो यहाँ पे कर लेंगे बाय क्रेडिटर्स क्लोज करके, बाय क्रेडिटर्स करके 10,000 उसके क्रेडिटर में से ले लिए और हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और बाय हमारे पास यहाँ पे बैंक करके आ जाएगा 40,000। स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन में ही गिवन है, एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट ही गिवन है, एडजस्टमेंट आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 इज ड्यू टू डी, तो डी क्रेडिटर है वो उसको क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 50,000 का, ये बैलेंस कितना आ गया 50,000 का, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी, ये ठीक है, ये 50,000 आ गया, ठीक है जी, ओके समझ लगी। चलिए ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हमें इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप नंबर 3 में इसकी बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ये तो आपने देख ही लिया ना पूरा अच्छी तरह। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। आप भी मेरे साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए इसका बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में हमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स की हैं उसको एक एक करके कंप्लीट करते जाना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर बार कि हमें बैलेंस शीट में सबसे पहले किस साइड से शुरू करना हो, मैं करता हूँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड से शुरू करता हूँ, बिकॉज वो साइड आपकी थोड़ी छोटी साइड होती है और उसमें आइटम्स कम होती हैं, इसलिए उसमें उसको जल्दी बनाना ईजी है। रुपीस, कौन ये रुपीस, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्रेडिट कैपिटल्स लायबिलिटीज में ये आएगा कैपिटल्स, कैपिटल में ए बी सी एंड डी, डी का तो 50,000 है, ए का कितना निकाला था हमने कैपिटल, आ गया हमारे पास यहाँ पे 61,800 और बी का कितना आया, बी का 57,800, 57,800 और डी सी का कितना है 39,900 और उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स में हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं सुरेश, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसमें से 10,000 के ये निकल गए तो बाकी कितना रह गया 20,000 का, तो ये डी वाले खत्म हो गए। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी है हमारे पास, बिल्स पेबल कितने का है हमारे पास, बिल्स पेबल है हमारे पास 10,000 का, वो या 10,000 में यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए अब ऐसा चेंज लाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं किया था हमने, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, मतलब लैंड पूरा लिख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने की है, ओके ये कितने की, 50,000 की, ओके उसके बाद क्या चीज है, हाँ जी ये 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। उसके बाद क्या चीज है, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या चीज है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 40,000 की, ये कितने की है 40,000 की। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, थर्टी थाउजेंड का। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है आपका 20,000 का, ठीक है जी। और डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स देखो हमने यहाँ पे बनाने हैं 30,000 के थे और प्लस हमारा बिल डिसऑनर्ड हुआ था, तो बिल डिसऑनर्ड करके वो हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा 4,000 और टोटल कितना बन गया, ये 34,000, 34,000 का लेस 5% ये आ गया ऐड, ये आ गया लेस, ये क्या लिखेंगे हम इसका, बोलो प्रोविजन 5% 1,700, ये आ गया आपका 32,300 ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है हमारा, यहाँ पे 1,200 का था। और बिल्स रिसीवेबल कितने के रहेंगे, 20,000, बिल्स रिसीवेबल कितने के रहेंगे 20,000 के, बिल रिसीवेबल कितने के रहेंगे 20,000 के। और बैंक में क्या करेंगे, बैंक में बैलेंस कैसे आएगा, बैंक का बैलेंस है मेरे पास 10,000 का, 10,000 में एक तो पहले वो बिल डिसम्बल हो गया 4,000 का,
और बाकी बाकी पैसा वो लाया कितना, 50 में से 40 लाया कैश, तो ये कितना आ गया 50 और 46,000, तो ये बन गया हमारा 46,000। अब एक ही करके इन साइड को हम टैली कर लेते हैं, आई होप कि अच्छे से ये मेरे कंप्लीट मिल जाएगा पूरा। चलो पहले लायबिलिटी साइड में आते हैं, 66,600 जमा 57,800 जमा 39,900 जमा 70,000 जमा 10,000, तो ये बन गया 239,500। जी हाँ जवाब दुरुस्त है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा नीचे करके 239,500। चलिए दूसरी साइड का भी ट्रिपल कर लो, तो वो बन गया आपका पहला 50 और 40 90,000, और उसके बाद 30 और 20 50,000, और उसके बाद आ गया 32,300, उसके बाद आ गया 1,200, उसके बाद आ गया 20,000, उसके बाद आ गया 40,000। ठीक है, ये टोटल मिल गया 239,500, 239,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो देख लीजिए बाकी। ओके डन, बाय।